किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है, अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे, आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। साथियों, आज ही सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़ा एक और अहम फैसला लिया है, 0 बजट खेती यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, देश की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए, ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि अर्थशास्त्री होंगे। साथियों, हमारी सरकार किसानों के हित में काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी। मैं गुरु गोविंद सिंह जी की भावना में अपनी बात समाप्त करूंगा। देही शिवा वर मोहे इह शुभ कर्मन ते कभू न टरो, हे देवी मुझे ये वर दीजिए कि मैं शुभ कर्म करने से कभी पीछे ना हटूं। जो किया किसानों के लिए किया, जो कर रहा हूं देश के लिए कर रहा हूं। आप सभी के आशीर्वाद से मैंने मेहनत में पहले भी कोई कमी नहीं की थी। आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब और ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि आपके सपने साकार हो सके, देश के सपने साकार हो सके। 14 महीनों से चल रहे कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के हट के आगे आखिरकार मोदी सरकार को झुकना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 विवादित कृषि कानून वापस लेने का फैसला किया है। प्रकाश पर्व जैसे पवित्र दिन कानून वापसी के ऐलान के लिए दिन चुना गया। पीएम मोदी ने शुक्रवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में ये बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार ये कानून काश्तकारों के हित में नेक नीयत से ये कानून लाई थी, लेकिन हम कुछ किसानों को समझाने में नाकाम रहे। प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज देव दीपावली का पावन पर्व है। आज गुरु नानक देव जी का भी पवित्र प्रकाश पर्व है। मैं विश्व भर में सभी लोगों को और सभी देशवासियों को इस पावन पर्व पर हार्दिक बधाई देता हूं। ये भी बहुत सुखद है कि 1.5 साल के अंतराल के बाद करतारपुर साहिब कॉरिडोर अब फिर से खुल गया है। साथियों, गुरु नानक जी ने कहा है
विच दुनिया सेवी कमाइए तदरगी बेसन पाइए, यानी संसार में सेवा का मार्ग अपनाने से ही जीवन सफल होता है। हमारी सरकार इसी सेवा भावना के साथ देशवासियों का जीवन आसान बनाने में जुटी है। न जाने कितनी पीढ़ियां जिन सपनों को सच होते देखना चाहती थी, भारत आज उन सपनों को पूरा करने का भरपूर प्रयास कर रहा है। साथियों, अपने 5 दशक के सार्वजनिक जीवन में मैंने किसानों की परेशानियों को, उनकी चुनौतियों को बहुत करीब से देखा है। मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हम पूरी विनम्रता से किसानों को समझाते रहे, किसानों से बातचीत भी होती रही। कानून के जिन प्रावधानों पर किसानों को एतराज था, उन्हें सरकार बदलने को तैयार भी हो गई थी। मोदी ने आगे कहा कि मैं आज पूरे देश को ये बताने आया हूँ कि हमने 3 कृषि कानून वापस लेने का फैसला किया है। इसी महीने हम इसे वापस लेने की संवैधानिक प्रक्रिया पूरी करेंगे। देश के छोटे किसानों की चुनौतियों को दूर करने के लिए हमने बीज, बीमा, बाजार और बचत, इन सभी पर चौतरफा काम किया। सरकार ने अच्छी क्वालिटी के बीज के साथ ही किसानों को नीम कोटेड यूरिया, सॉयल हेल्थ कार्ड, माइक्रो इरिगेशन जैसी सुविधाओं से भी जोड़ा। हमने 22 करोड़ सॉयल हेल्थ कार्ड किसानों को दिए और इस वैज्ञानिक अभियान के कारण एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बढ़ा। साथियों, हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए, आपदा के समय ज्यादा से ज्यादा किसानों को आसानी से मुआवजा मिल सके, इसके लिए भी पुराने नियम बदले। इस वजह से बीते 4 साल में 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा हमारे किसान भाई बहनों को मिला है। हम छोटे किसानों और खेत में काम करने वाले श्रमिकों तक बीमा और पेंशन की सुविधाओं को भी ले आए। छोटे किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सीधे उनके बैंक खातों में 1,62,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों की परेशानियों और चुनौतियों को बहुत करीबी से देखा है। जब देश ने मुझे 2014 में प्रधानमंत्री के तौर पर देश की सेवा का मौका दिया, तो हमने किसान कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। बहुत लोग अनजान हैं कि देश के 100 में से 80 किसान छोटे किसान हैं। उनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। इनकी संख्या 10 करोड़ से भी ज्यादा है। देश भर की कृषि मंडियों के आधुनिकीकरण पर भी हमने करोड़ों रुपए खर्च किए। साथियों, आज केंद्र सरकार का कृषि बजट पहले के मुकाबले 5 गुना बढ़ गया है। हर वर्ष 1,25,00,000 करोड़ रुपए से अधिक कृषि पर खर्च किए जा रहे हैं। 1,00,000 करोड़ रुपए के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से गांव और खेत के नजदीक भंडारण, इसकी व्यवस्था, कृषि उपकरण जैसी अनेक सुविधाओं का विस्तार, ये सारी बातें तेजी से हो रही है। छोटे किसानों की ताकत बढ़ाने के लिए
10,000 एफपीओ किसान उत्पादक संगठन बनाने का अभियान भी जारी है। एक ओर पीएम के इस फैसले पर किसानों ने खुशी जताई तो दूसरी ओर विपक्षियों ने सरकार को घेरा। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा कि बीजेपी को सत्ता का डर दिखा तो उन्होंने कानून वापस ले लिया। कमाल है, 600 किसानों की जब इसी धरना प्रदर्शन में मौत हो गई थी तब प्रधानमंत्री जी का तो कभी ध्यान नहीं गया उनके किसानों की तरफ, कभी उन किसानों के बारे में नहीं सोचा। लेकिन जब उनको एहसास हो गया है कि उत्तर प्रदेश में उनकी सत्ता जा रही है, किसान उनके विरोध में खड़ा है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 340 किलोमीटर का सफर उन्होंने रथ से किया पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे, देखा उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी ने कि लाखों का हुजूम रात भर उनके स्वागत के लिए खड़ा रहा, एहसास हो गया सत्ता जा रही है। सत्ता का जाने का डर जब सताने लगा तब किसान कानून भी वापस कर लिया। यह होता है लोकतंत्र की ताकत। इसलिए भारतीय जनता पार्टी भूल जाए तानाशाही, इस हिंदुस्तान में चलेगा तो सिर्फ। वहीं कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने भी बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि तीनों काले कृषि कानून वापस किए जाना सत्य की जीत है और अहंकार की हार। तीनों काले कृषि कानून वापस लिया जाना सच्चाई की जीत है, अहंकार और अत्याचार की हार है। जिस तरह से एक वर्ष तक किसान आंदोलन पर गांधी मार्ग से डटा रहा, अत्याचार सहता रहा, शहादत देता रहा, पुलिस की लाठी और डंडे खाता रहा, एक वर्ष बाद सरकार तब जागी जब किसानों ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गांव में घुसने से मना कर दिया। सरकार तब जागी जब सारे उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई। आज जिस तरह से तीनों कृषि कानून वापस लेने जाने पर पूरे देश में खुशी का माहौल है, किसानों के लिए, देशवासियों के लिए दशहरे और दीपावली जैसा पर्व है, पूरा देश ये मानता है, सरकार कितनी भी अहंकारी हो अगर हमारे देश का लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन कभी सरकार कुचल नहीं सकती, अंग्रेज नहीं कुचल सके, हमारे देश का मजबूत लोकतंत्र और संविधान अहंकारी सरकारें भी नहीं डिगा सकती। आज देशवासियों की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसान आंदोलन के महारथियों को लाख लाख बधाइयां। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने की आज घोषणा कर दी है इसके लिए उनका बार बार स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और ऐसा ही होना चाहिए, देश का प्रधानमंत्री जो किसानों के एक एक किसान की बात सुनकर किसी को दुखी न होना दे। लेकिन ये भारत के किसान में भारतीय किसान भानुका राज से जानता हूं कि किसान परेशान है, किसान विरोधी नीतियों के कारण 75 साल में किसानों को भाव नहीं मिले गन्ना का, गेहूं का, आलू का, धान का, इसलिए कर्जदार है। इसलिए कर्जा माफ करने की घोषणा करके किसान आयोग का गठन कर दो माननीय प्रधानमंत्री जी, और किसान आयोग को फसलों के दाम तय करने का अधिकार दे दो। जय जय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीन कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा करने के बाद भी राकेश टिकैत अभी भी किसान आंदोलन को तत्काल खत्म करने के पक्ष में नहीं है। दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने प्रतिक्रिया में कहा है कि तत्काल आंदोलन वापस नहीं होगा। टिकैत ने ऐलान किया है कि देश भर में चल रहा किसान आंदोलन अभी तत्काल वापस नहीं होगा। टिकैत ने कहा कि हम तो उस दिन का इंतजार करेंगे जब सरकार तीनों कृषि कानून को संसद में रद्द करेगी। इतना ही नहीं, टिकैत ने सरकार के सामने एक और मांग रख दी है। टिकैत ने कहा कि सरकार किसानों के साथ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के साथ ही किसानों के हित के दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करे। मायावती ने किसानों को दी बधाई। कृषि कानून वापसी पर बसपा प्रमुख मायावती ने किसानों को बधाई दी। मायावती ने कहा कि फैसला लेने में देरी कर दी। मायावती ने कहा कि ये फैसला बहुत पहले ले लेना चाहिए था, एमएसपी को लेकर भी सरकार फैसला करे। इस आंदोलन के दौरान किसान शहीद हुए हैं, उन्हें केंद्र सरकार आर्थिक मदद और नौकरी दे। किसानों पर केंद्रित रहा मोदी का 18 मिनट का संबोधन। तीनों नए कृषि कानूनों को 17 सितंबर 2020 को लोकसभा से पास कराया गया था। राष्ट्रपति ने तीनों कानूनों के प्रस्ताव पर 27 सितंबर को दस्तखत किए थे। इसके बाद से ही किसान संगठनों ने कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था। पिछले एक साल से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर धरना दे रहे थे। प्रकाश पर्व पर मोदी का संबोधन सुबह 9 बजे शुरू हुआ। ये कोरोना के दौर में देश के नाम उनका 11वां संदेश था। इस बार 18 मिनट का उनका पूरा जोर किसानों पर ही रहा। तीनों कृषि कानून जिनके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे किसान, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य यानी संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020। इस कानून में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रावधान है
जहां किसानों और कारोबारियों को मंडी के बाहर फसल बेचने की आजादी होगी। कानून में राज्य के अंदर और दो राज्यों के बीच कारोबार को बढ़ावा देने की बात कही गई है। साथ ही मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च कम करने की भी बात इस कानून में है। कृषक सशक्तिकरण संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। इस कानून में कृषक करारों यानी एग्रीकल्चर एग्रीमेंट पर नेशनल फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया है। ये कृषि उत्पादों की बिक्री, फार्म सेवाओं, कृषि बिजनेस फर्म, प्रोसेसर्स, थोक और खुदरा विक्रेताओं और निर्यातों के साथ किसानों को जोड़ना है। इसके साथ किसानों को क्वालिटी वाले बीज की आपूर्ति करना, फसल स्वास्थ्य की निगरानी, कर्ज की सुविधा और फसल बीमा की सुविधा देने की बात इस कानून में है। कृषक सशक्तिकरण संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। इस कानून में कृषक करारों यानी एग्रीकल्चर एग्रीमेंट पर नेशनल फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया है। ये कृषि उत्पादों की बिक्री, फार्म सेवाओं, कृषि बिजनेस फर्म, प्रोसेसर्स, थोक और खुदरा विक्रेताओं और निर्यातों के साथ किसानों को जोड़ना है। इसके साथ किसानों को क्वालिटी वाले बीज की आपूर्ति करना, फसल स्वास्थ्य की निगरानी, कर्ज की सुविधा और फसल बीमा की सुविधा देने की बात इस कानून में है। आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। इस कानून में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट से हटाने का प्रावधान है। अगर सरकार के मुताबिक इससे किसानों को उनकी फसल की सही कीमत मिल सकेगी, क्योंकि बाजार में कंपटीशन बढ़ेगा। किसानों के आगे आखिरकार मोदी सरकार को झुकना पड़ा। केंद्र सरकार ने तीनों विवादित कृषि कानून वापस लेने का फैसला किया। लखनऊ से अनिल सैनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।